खबर सुनने से पहले आप जरा अक्षय कुमार के इंस्टंट्स पर नजर डालिए। पूरा बॉलीवुड अक्षय को खतरों के खिलाड़ी के नाम से जानता है। आज जो भी कुछ हूँ मार्शल आर्ट की वजह से हूँ, वरना एक्टिंग किसको आती है। अक्षय बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टंटमैन माने जाते हैं। अक्षय कभी नहीं करते बॉडी डबल यूज, आप भी यही मानते हैं ना? लेकिन जूम आपके सामने लेकर आया है एक ऐसा शख्स जिसकी बातों को सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस शख्स का नाम है लकी और ये है अक्षय कुमार का बॉडी डबल। डुप्लीकेट जैसे करते हैं, हमारा चेहरा तो आता नहीं है, हम लोग तो बैकग्राउंड में ही करते हैं, तो जैसे वाइड शॉट रहता तो हम लोग दूर से दिखते हैं, पब्लिक को लगता है कि हीरो ही कर रहा है ये, तो करते हम लोग हैं। जी हाँ, यही वो शख्स है जो फिल्म में अक्षय कुमार के स्टंट्स करता है। इस शख्स ने ऑन स्क्रीन तो नहीं लेकिन ऑफ स्क्रीन खोल दी अक्षय कुमार की पोल, ये कहकर कि फिल्म कमबैक इश्क तस्वीर 8x10 में अक्षय के स्टंट्स इसी ने किए हैं। और सुनिए, स्टंट्स के किंग जाने वाले अक्षय ने पटियाला हाउस फिल्म में भी छोटे से स्टंट के लिए बॉडी डबल का सहारा लिया। अभी बीच में पटियाला हाउस के लिए हम लोग ने किया था, तो उसमें तो कुछ ज़्यादा स्टंट नहीं था, जिसमें मतलब अक्षय जी प्रैक्टिस करते हैं बैट की, कुछ बॉल की, तो उसमें भागम दौड़ ऐसा कुछ था, ज़्यादा नहीं था। वैसे अक्षय कुमार के फेवरेट डायरेक्टर साजिद खान जब जूम आए थे तो उन्होंने डंके की चोट पर कहा था, अक्षय कुमार मैं आज आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, यहाँ से खड़े होके इस पे चढ़ सकते हैं 10 सेकंड के अंदर, जो वहाँ का स्टंटमैन भी नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, साजिद तो इस बात की भी सफाई दे रहे थे कि उन्होंने हाउसफुल 2 में बॉडी डबल अगर यूज किया तो क्यों किया। वहाँ पे क्या है, वो एक शॉट था जहाँ पे उसको आदमी को कैनन से उड़ के जाना होता है, दे वर नॉट अलाउइंग अक्षय टू डू इट, तो ठीक है उनका एक डुप्लीकेट था उसने किया, कौन सी बड़ी बात है। वेल, जो भी हो, लेकिन पटियाला हाउस जैसी सिंपल फिल्म में अक्षय के बॉडी डबल को यूज करने की खबर से इतना तो साफ हो गया है कि अक्षय सिर्फ नाम के ही खतरों के खिलाड़ी है।